नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बी टाउन में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता है। दोनों की जोड़ी पावर कपल के तौर पर देखी जाती है और उनकी शादी काफी सुर्खियों में रहती है। वहीं अब उनकी शादी को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त होने जा रहा है और दोनों एक साथ बेहद खुश है और सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए अपने प्यार को लुटाते हुए नजर आते हैं। अब इसी बीच विक्की का एक वीडियो चर्चा में आ गया है। जी हाँ, उनका ये वीडियो हाल ही में मुंबई में आयोजित 68 फिल्मफेयर अवार्ड्स के दौरान का है। इस दौरान उनसे कैटरीना को लेकर बेहद ही मजेदार सवाल पूछा गया। जी हाँ, विक्की कौशल हाल ही में मुंबई में आयोजित हुए 68 फिल्मफेयर अवार्ड्स में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान उनसे कई मजेदार सवाल पूछे गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अवार्ड शो में विक्की से कैटरीना को पंजाबी सिखाने को लेकर सवाल किया गया है। विक्की से शुरू में पूछा गया क्या वो दूसरों की शादी में सलाह देंगे। जी हाँ, इस पर एक्टर ने शानदार जवाब देते हुए कहा, उनकी शादी को अभी महज 1.5 साल हुए हैं और ये उनकी शुरुआत है, वह अभी भी दूसरों से टिप्स मांग रहे हैं। जी हाँ, हालांकि उन्होंने इस सवाल पर अपने फैंस को सलाह के तौर पर शादी करने की सलाह दी। वहीं विक्की ने बताया कि उन्होंने कैटरीना को की हालचाल और की हालचाल बढ़िया ने वाकई में पंजाबी में सिखाया है। जी हाँ, उन्होंने कहा, कैटरीना जब भी पंजाबी में कुछ भी बोलती है मैं बस वही बेहोश हो जाता हूँ। इसके बाद विक्की ने करण वाही और अनुषा डांडेकर के साथ ऑस्कर विजेता तेलुगु गीत नाटू नाटू पर डांस भी किया। आपको बता दें कि विक्की कौशल ने फिल्म फेयर में डांस भी किया है। जी हाँ, उनकी डांस परफॉर्मेंस को हर किसी ने काफी इंजॉय भी किया। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।